His first standard poem, Pari and Pip. It is on page number 6, your book page number 6, Pari and Pip. You know that Puppy is name of the baby dog. Baby dog को क्या बोलते हैं? Puppy बोलते हैं. लेकिन यहाँ पर जो Pari है, वो उसके dog को क्या बोलती है? Baby dog को क्या बोलती है? Puppy का क्या बोलती है? Pip बोलती है. तो वो बताती है अपने dog की story यहाँ पर. तो वो कहती है, listen, we should go through the poem. हम पोएम के द्वारा सीखेंगे कि कैसे Pari अपने जो उसका पेट एनिमल है उसके पीछे भागते रहती है, उसके साथ खेलते रहती है, और उसे क्या कॉल करती है क्या नहीं, ये हम देखेंगे. ओके. और वो जो पीप है, पीप मीन्स पपी, वो पपी भी उसके साथ खेलता है, और वो क्या दोनों मस्ती करते हैं हम यहाँ पर देखेंगे. ओके. सो लेट वी सी थ्रू द पोएम. Pari. Pari सेड, आई एम Pari. Papa got a pet puppy for me. I call my puppy Pip. यहाँ पे उसका निकनेम, उसके पापा ने उसके लिए जो डॉग का जो बच्चा लाया है उसका नाम क्या है? पपी है. लेकिन वो अपने डॉग के बच्चों को क्या बोलती है? प्यार से उसको क्या बोलती है? पिप. उसका जो निकनेम उसने क्या रखा है? पिप. सो Pari सेड, आई एम Pari. Papa got a pet puppy for me. I call my puppy Pip. Pet animals means कौन से? जो हम घर में जो पालते हैं एनिमल, उसको क्या बोलते हैं? Pet animals. जो एनिमल्स वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं, जंगल में रहते हैं, उसको वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं. और जो डोमेस्टिक एनिमल जो रहते हैं उसमें से जो पेट एनिमल रहते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स में से काऊ, बफेलो, ये डोमेस्टिक एनिमल है. लेकिन कैट एंड डॉग, दीज आर द पेट एनिमल, जो उसको हम पालते हैं उसको क्या बोलते हैं? पेट एनिमल्स. तो ये जो डॉगी है, डॉगी का जो छोटा सा बच्चा है, आपको पिक्चर में दिए वाला है, आपके टेक्स्ट बुक के पिक्चर में आप देखो पेज पर, वहाँ पे लिखे वाला है, देखो ड्राइंग करे वाला है. बॉल के पीछे कुत्ता दौड़ रहा है और उसके पीछे Pari दौड़ रही है, और दोनों खेल रहे, खूब मस्ती कर रहे. Pari सेड, आई एम Pari. पापा गॉट अ पेट पपी फॉर मी. आई कॉल माई पपी पिप. देन Pari, कम 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 पिप, कम हियर पिप. Pari क्या कहती है वो डॉग को, छोटे बेबी को क्या बोलती है? डॉगी को, कम 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 पिप, कम हियर पिप. पिप क्या करता है? बऊ वऊ. पिप रन्स टू Pari. और जब Pari उसको बुलाती है, जैसा Pari उस बच्चे को प्यार करती है, डॉगी को प्यार करती है, वैसा वो डॉग भी उससे प्यार करता है. और वो क्या करता है? मस्ती में बऊ वऊ कर कर वो Pari की तरफ दौड़ता है. Pari करते कहती है उसको, गो पिप, गेट द बॉल. वो क्या करती है? बॉल को फेंकती है. देखो पिक्चर में देखो आप, उसने बॉल को फेंका है, और वो डॉग को कहती है कि, डॉग को, वो डॉगी को कहती है चलो भागो, और वो बॉल को पकड़ो. गो पिप, गेट द बॉल. पिप रन्स ऑफ. पिक्स अप द बॉल. वो क्या करता है? उसको पकड़ता है बॉल को, और पकड़ कर क्या करता है? वो फिर से Pari के पास लाकर देता है. Pari कहती है, फिर उसने पकड़ने के बाद वो दौड़ता है और बॉल को पकड़ता है. पकड़ने के बाद Pari उसको क्या कहती है? कम बैक पिप, कम बैक. सिट डाउन पिप, पिप सिट डाउन. पिप वैग्स हिज टेल. और पिप क्या करता है? उसको बैठने के लिए बोलती है Pari. तो प्यार से क्या करता है? अपने दुम हिलाता है, और वो दोनों दिन भर मस्ती करते हैं. आप लोगों को जो पेट एनिमल्स है, आपके घर में भी होंगे ना, डॉग एंड कैट, तो आप उनके साथ भी खेल सकते हैं, उनका नाम भी रख सकते हैं, उनको आप जो भी ट्रेनिंग देंगे वो करेंगे. वहाँ पे देखो उसके Pari और जो डॉग ही है, उसके बाजू में एक पेड़ का एक ब्रांच है, उसके ऊपर एक चिड़िया बैठे, पैरट बैठे वाला है. पैरट ऊपर से देख रहा है, और Pari खुशी से झूम रही है. कुत्ता भी वो बॉल के पीछे खुशी से दौड़ रहा है. इस तरह से वो एक दूसरे को प्यार करते हैं और खेलते रहते हैं, दिन भर मस्ती करते रहते हैं. ओके. थैंक यू.